महालक्ष्मी योजना के नाम में हो सकता है बदलाव, नाम में संशोधन करने की तैयारी में राज्य सरकार, बेटे बेटियां दोनों को मिलेगा लाभ। 3 मई को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, तीर्थ पुरोहितों में निकाला शुभ मुहूर्त। कंट्रोल नहीं हो रही तेल पर महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा, 13 दिन में 8 रुपये हुआ महंगा। देश के 37 शहरों के अस्पतालों में खोले जा रहे आयुर्वेद सेंटर, 1 मई से मिलेगा इलाज, 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र का किया जाएगा संचालन। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, 4 जिलों में कोरोना का आंकड़ा 0, 1 मरीज की हुई मौत। उत्तराखंड में बारिश की बेरुखी, 12 साल में सबसे गर्म बीता मार्च, मार्च में औसत तापमान पहुंचा 7 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर रुद्रपुर से है, जहां कई वर्षों से नेपाल से गायब नाबालिग को टीमों की संयुक्त कार्रवाई से रुद्रपुर के एक मंदिर से बरामद किया गया है। बालाजी मंदिर से नाबालिग को बरामद किया गया है, जिसमें बाल कल्याण समिति, बचपन बचाव समिति व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। नाबालिग को बरामद कर पुलिस टीम ने किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया, जिसके बाद बच्चे के बयान दर्ज कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मामला पूरा ये था सर कि ये बच्चा वृंदावन में मिला, इस बाबा को छोटे में 3-4 साल पहले वृंदावन में मिला, तो बाबा के यहाँ आ गया। बाबा के यहाँ इसने काम किया, बहुत काम किया, ठीक, और बाबा के अत्याचारों से पीड़ित होकर के ये भाग गया नेपाल, अपने घर चला गया, ठीक। उसके घर के जाने के बाद फिर वो नेपाल से अपना घूमने निकला सरसा बालाजी, राजस्थान में पड़ता सर ये, वहाँ पर इस बाबा की नज़र पड़ गई, बाबा जी की नज़र पड़ गई तो इसको यहाँ लिया है। अब बच्चा धीरे धीरे बताएगा, अभी तो रिलैक्स होगा बच्चा थोड़ा सा, है ना, काउंसलिंग हो रही बच्चे की, तो बताएगा सारी चीज़ें को वो बताएगा। लेकिन मोटी मोटी बात है कि इसके बड़े भाई ने, जो नेपाल में रहता है, खास बड़ा भाई है, ये दोनों ही है बेचारे, और कौन इसका इनका है नहीं, तो उन्होंने हमको मेल किया। नैनीताल के आयार अपाटा में देर रात नैनी रिट्रेट की दीवार के ऊपर गुलदार दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दीवार पर घात लगाए बैठे गुलदार के आसपास पर्यटक वाहन नजर आ रहे हैं। देर रात गुलदार के रिहायशी क्षेत्र में दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, सीजन के दौरान क्षेत्र के देर रात तक पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों का आना जाना रहता है। गुलदार के रिहायशी क्षेत्रों में घुसने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। खबर लक्सर से है, जहां बसेड़ी गांव में स्थित IELTS नामक शिक्षण संस्थान में होनहार बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में शमा परवीन ने पहला, वीरेंद्र ने दूसरा व अंकित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। संस्था की तरफ से लक्सर के बसपा विधायक ने पुरस्कार देकर तीनों को सम्मानित किया। क्षेत्र से विधायक चुना गया हूँ, जहाँ मैं विधायक हूँ वहाँ मैं अपने आप को समाज का एक हिस्सा है, हिस्सा समझता हूँ। समाज सुधार के काम चलाना भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा, तो ये उसी का एक क्रम है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज सुधरे, बच्चे सुधरे। अगर बच्चे सुधरेंगे तो कल सुधरेगा। मनसा यही है कि हमने जो इलम नाम से एक लाइब्रेरी खोली थी, उसमें जो पढ़े लिखे बच्चे थोड़े बहुत समाज के बीच में अच्छा परफॉर्मेंस करें, और कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अदर दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी सिलेक्शन हुए हैं, और कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ इंटरेस्ट दिए थे, टेस्ट दिए थे, उन बच्चों को हमने सम्मानित किया आज बुला के।
खबर लक्सर से है, जहां पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रमोद खारिक की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और सब्जियों की माला पहनकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदेश महासचिव प्रमोद खरे ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई जो है चिंता का विषय बनी हुई है, खास तौर पर पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज हो रही वृद्धि से जनता हलकान है। ऐसे भाजपा की मोदी सरकार ने आम लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। जिस तरह से आए दिन पेट्रोल डीजल सब्जी जितने भी हमारे रसोई के जो खाद्यान्न हैं उन पर लगातार ये बढ़ोतरी कर रहे हैं, उससे हम हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 1 तारीख से 4 तारीख तक जो है हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करें, अलग अलग जगह प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मोदी सरकार इस देश में आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई घटती नहीं जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब जब सरकार में कांग्रेस पार्टी रही है हमेशा सिलेंडर हो उनकी हमारी सरकार में 370 से कभी ऊपर नहीं गया, कमर्शियल सिलेंडर हो 1100 ऊपर नहीं गया। आज देखो 2400 रुपए में जो गैस सिलेंडर है कमर्शियल वो 2400 हो गया है। और नहीं भारी हो रही, गोस्तों गास्तों का सिस्टम रहा नहीं, अब सिलेंडर पर ये फ्री दे रहे थे मोदी जी, एक कनेक्शन वो भी नहीं दिया जा रहा, कहाँ तो भरवा लेंगे सिलेंडर, एक ही तो दिया फ्री, अब कैसा करेंगे, गरीब आदमी तो परेशान है। और पेट्रोल के दाम देख लो रोज की रोज बढ़ते जा रहे हैं, लक्सर में देख 101 रुपए लीटर हो गया और हिल एरिया में तो और भी ज्यादा हो गया। ठीक है, बिल्कुल करेंगे जी, और हर हफ्ते करेंगे, हर महीने करेंगे, और हर साल तो पता नहीं कितने होंगे। आम आदमी पार्टी ने कालाढूंगी में नए कार्यालय के शुभारंभ किया। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत को आमंत्रित किया गया। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी शिशुपाल सिंह रावत ने रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा कालाढूंगी कार्यालय में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया गया। कालाढूंगी से आम आदमी पार्टी का चेहरा रही विधायक प्रत्याशी मंजू तिवारी ने कहा, शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना आम आदमी पार्टी का मुख्य कार्य है। आम आदमी पार्टी परिवर्तन के लिए संघर्षरत है और संघर्ष हम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आती बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आती है। सबसे पहले तो आज सबको नवरात्रि शुभारंभ की मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को। और इसी नव संबत सत्र जो हमारा चला है उसमें जो है मंजू तिवारी जी जिन्होंने कालाढूंगी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था वो उन्होंने आज अपना कार्यालय खोला कि आम आदमी पार्टी दोबारा से लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आती बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ पर कालाढूंगी में लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्मणगढ़ में गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के रूप में निकलने वाली इस सवारी में ईश्वर पार्वती की प्रतिमाओं को श्रृंगारित कर बैंड बाजों के साथ निकाला जाएगा, जहां जगह जगह सुहागिनों व कुमारियों द्वारा ईश्वर पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही गणगौर के गीतों व कहानियों का आयोजन भी होगा। महावीर सेवा समिति के प्रमोद ने बताया कि गणगौर की सवारी महावीर सेवा समिति कार्यालय से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए राम लीला मैदान पहुंचेगी। साथ ही इस दिन शाम को गणगौर मेला का भी आयोजन होगा। उत्तराखंड की खबरों की बात हम आगे करेंगे, उससे पहले आपको सीधे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्याचल ले चलते हैं। विंध्यवासिनी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
विंध्याचल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पंडित पुरोहित हैं उन्हें जो है माला पहना रहे हैं, जो मां की चुनरी है वो आशीर्वाद के रूप में उन्हें दे रहे हैं। तो विंध्याचल की तस्वीरें हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने। इसके पहले वाराणसी में थे सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री आए हुए थे, और अब विंध्याचल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विंध्याचल की मां विंध्यवासिनी की के दर पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप तस्वीरें देख सकते हैं विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पंडित पुरोहितों के द्वारा उन्हें चुनरी दी गई, माला दी गई प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं। और दर्शन कर चुके हैं और बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पंडित के जो मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो उन्हें पूजन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम श्रद्धालु भी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं जिनका अभिवादन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीर है बाहर आते हुए, मंदिर परिसर से अब बाहर आ रहे हैं तो विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर लिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अब वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के तीर्थ पुरोहित पंडित उनके साथ मौजूद हैं और अब बाहर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के बाद। मिर्जापुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विंध्याचल की, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और दर्शन कर चुके हैं और अब वो मंदिर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी हैं, मंदिर जो है उसके तीर्थ पुरोहित पंडित नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। खबर रुद्रपुर से है जहां टाडा जंगल से बहने वाली कल्याणी नदी का पानी बेहद साफ और पीने योग्य है, लेकिन रुद्रपुर शहर में पहुंचते ही नदी 30 फुट के बजाय 6 फुट के गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। वहीं नगर निगम ने 2 साल पहले सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों के साथ कल्याणी पुनर्जीवन अभियान शुरू किया था। कुछ समय चलने के बाद कोरोना काल में अभियान पर ब्रेक लग गया था। आपको बता दें कि नदी की दुर्दशा पर पर्यावरण संरक्षण में जुटे लोग खासे निराश हैं। वहीं 2 दशक पहले तक रुद्रपुर के लोगों को पीने का साफ पानी देने वाली कल्याणी नदी को आज बढ़ते इंसानी दखल के चलते अस्तित्व पर उसके खतरा मंडरा रहा है। नदी से नाले में तब्दील कल्याणी ने कुछ महीने पहले आई आपदा में खूब कहर बरपाया था और तब लोगों के साथ ही अफसरों को भी नदी की सफाई और संरक्षण की याद आई थी। नगर निगम की ओर से जल्द सफाई अभियान शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकारी स्तर और स्थानीय स्तर के प्रयासों से कल्याणी नदी का अब तक कितना कल्याण हो पाएगा ये भविष्य ही बताएगा। एक तो बड़ा दुर्भाग्य है कि नदी के बिल्कुल बगल में जहां नदी का पानी बह रहा है और उसके साथ लोगों ने अपने मकान बना लिए, जब बाढ़ आती है तो वही लोग डूबते हैं। दूसरा, उस नदी के अंदर इतना प्रदूषित पानी आ रहा है
सिडगुल में जितने भी कारखाने हैं किसी का अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और सारा फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी उसी में आ रहा है। आप देखिए जगतपुरा अटरिया मंदिर के पास या रविंद्र नगर में या अन्य कॉलोनियों में जितने पशु हैं वो उसी में नहा रहे हैं। तो एक दिन ये बदबू के मारे लोग वहां से भागने को पलायन करने को मजबूर हैं। रुद्रपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली कल्याणी नदी आज अपने कल्याण होने का इंतजार कर रही है। ये वो नदी है जो लगभग 20 फीट की नदी हुआ करती थी, आज ये मात्र 6 फुट के नाले में तब्दील हो गई है। अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये नदी जो है इसका आकार किस तरीके से नाले में तब्दील हो गया है। ये वो नदी है जो यहाँ पर लोग नहाया करते थे और यहाँ पे जानवर तक पानी पिया करते थे, लेकिन आज ये नदी इस तरीके की नाले में तब्दील हो गई है कि यहाँ पे लोगों का निकलना तक दुश्वार हो रखा है। कई एनजीओ के द्वारा ये नदी का सफाई अभियान स्टार्ट किया गया था, मेयर रामपाल सिंह के द्वारा ये नदी का सफाई अभियान स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये जो नदी है नाले के रूप में तब्दील हो रखी है। कुछ दिन पूर्व यहाँ पे आपदा भी आई थी, आपदा 2-3 दिन की बरसात होने के बावजूद इस नदी का आकार छोटा होने की वजह से कई बस्तियों में पानी घुस गया था और अरबों का लोगों का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी इस और ना प्रशासन का ध्यान है ना किसी राजनेता का ध्यान। रुद्रपुर के अंदर भाजपा के मेयर हैं, भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के ही सांसद और भाजपा की ही सरकार होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी अधिकारी का इस और नहीं ध्यान है। अपने सहयोगी विजय के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज रुद्रपुर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है जहां इन दिनों डॉक्टर निधि उनियाल का मामला राजनीति में गर्मा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर निधि उनियाल के तबादले को रोकते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। शनिवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का पुतला फूंका और साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, निधि उनियाल जो कि हमारे दून कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे यहाँ पर कार्यरत थी और जो स्वास्थ्य सचिव हैं पंकज पांडे जी द्वारा अपने निजी कार्य बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी के पति के स्वास्थ्य उपचार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपने उनको अपने घर में बुलाया और उसके पश्चात छोटी मोटी कोई गलती हुई होगी उसके उतनी बड़ी बात उसको दिल पे लेके और पूरे तत्काल उनका तबादला में कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो एक सरकारी जो तंत्र है, अगर हमारे पहाड़ में कोई प्रसूता हमारी माताएं बहनें किसी को कोई तकलीफ है कुछ है तो वहाँ पर उनको तत्काल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वहाँ पे मशीनों का अभाव है। लेकिन इस प्रकार के जो ये घटनाएं हुई हैं इसमें अपने घमंड में चूर, अपने सत्ता के नशे में चूर होके जिस प्रकार से उन्होंने तत्काल 12 घंटे के अंदर ये तबादला अल्मोड़ा कॉलेज में किया तो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो किस प्रकार से हावी है। न्यूजीलैंड में आयोजित हुए महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 खेलकर वतन वापस लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा का अपने गृह राज्य पहुंचने पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने उनका सम्मान किया। राजधानी देहरादून में क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा ने पहुंचकर वर्ल्ड कप के अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान स्नेहा के इस प्रदर्शन और न्यूजीलैंड में पहली बार विश्व कप खेलने पर उनके गृह राज्य में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने उन्हें और उनके कोच को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। स्नेहा राणा ने न्यूजीलैंड में खेले गए विश्व कप के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा
कि एक बड़ी बात है कि उन्होंने मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी बड़ी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। विश्व कप ना जीत पाने का मलाल भी स्नेहा राणा को रहा। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ उसमें हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम शांत हो गया। सभी को विश्व कप से बाहर होने की निराशा थी। उन्होंने कहा कि इस बार भले ही उनकी टीम विश्व कप नहीं जीत पाई लेकिन उनकी टीम आगे और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अनुभव एकदम नया था और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरा पहला विश्व कप था। इतने समय से मैंने इस चीज का इंतजार किया तो, और टीम में इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे टीम में थे तो उनके अंडर खेलना, उनके साथ खेलना तो काफी अच्छा रहा। खबर देहरादून से है जहां प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के साथ साथ कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं जिसके बाद विपक्ष लाल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार देश भर में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आज से एक सप्ताह तक कांग्रेस जो है देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के बाद ही जनता को महंगाई का जो गिफ्ट दिया है उससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि राज्यों में चुनाव जब गतिमान होते हैं तो सारी चीजों पर रोक लगा दी जाती है, कीमतों में इजाफा नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और चार राज्यों में केंद्र सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होती है तो जनता को नाश्ते में कहूं या सौगात में कहूं या तोहफे में कहूं ये परोसा जाता है और जिसे महंगाई कहा जाता है। विकराल और सुरसा का रूप महंगाई ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है। हम ताजा ताजा हारे हैं लेकिन जनता ने आशीर्वाद हमें भी दिया है। सभी राज्यों में चाहे कम कहीं ज्यादा हमें आशीर्वाद मिला है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी उन अपने वोटर्स के प्रति बनती है, जनता के प्रति बनती है। दबे हुए, कुचले हुए, वंचित, शोषित गरीब समाज की हमने आवाज उठाना हमेशा शुरू किया था। हम उसको रोकेंगे नहीं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और अभी जो है गैस सिलेंडर के दामों पर जो वृद्धि देखने को मिली है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन जो है देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जिसकी वानगी उत्तराखंड में भी नजर आई है। आप देख सकते हैं हाथों में सिलेंडर लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं नजर आ रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में जो वृद्धि हुई है उससे नाराजगी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सिलेंडर को फूल माला पहनाई हुई है, एक हाथ में आरती की जा रही है और कुछ लोग सिलेंडर हाथों में लिए हुए उठाए हुए नजर आ रहे हैं। जो गैस के दाम बढ़ गए हैं उससे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर आई है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है और ये प्रदर्शन सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।